जब मैं इस स्केट शू को पहन करके चलाने का प्रयास कर रहा था तो पूरी तरह से मैं गिर जा रहा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, या तो एक जगह पर रह जा रहा हूँ, नहीं तो बार बार गिर जा रहा हूँ। ऐसे में रामू मुझे जब हेल्प कर रहा है तो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ सीधा। अब रामू भी कितना खींच पाएगा, कितना लंबा दूर ले जा सकता है, इसी समस्या को देखते हुए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना एक ऐसा चीज़ बनाया जाए जिससे स्केटिंग का मजा लेते हुए भी, यानी कि या तो साइकिल के जैसा या तो स्कूटर के जैसा कुछ बनाया जाए जिससे हम लोग पकड़ के आगे चले जाएं बिना किसी के हेल्प से। जैसा मेरे दिमाग में डिजाइन चल रहा है वैसा अगर मैं बना लूं तो बिना स्केटिंग सीखे भी स्केटिंग का मजा ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे चैनल पर बहुत सारे अमेजिंग, यूनिक और साइंटिफिक वीडियो आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमेशा यूनिक और कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं ये हमारा डिवाइस बन के तैयार हो चुका है और इसमें हमने साइकिल के चक्के को लगाया है और 24 वोल्ट इलेक्ट्रिक मोटर जो पूरा एक्सीलरेटर से ऑपरेट होता है, और इसको हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन बनाया है कि दूसरा कोई चक्का नहीं लगा है और ये आसानी से खींचेगा। चक्का है, फ्रेम है, बैटरी है, इसमें 24 वोल्ट का बैटरी है और एक किट लगा हुआ है कंट्रोलर यानी, और यहाँ पर मोटर चक्का है और इसमें बस एक लंबा सा रॉड लगा करके और वहाँ पर एक्सीलरेटर भी मैंने फिक्स किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं दो हैंडल जो है ना, ये वाला एक्सीलरेटर लेने से ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, इस प्रकार से ये वर्क करेगा। अभी तक मैंने इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। अब यहाँ पर चेक करने वाली बात है कि ये मुंह फोड़ता है या फिर अच्छा से चला पाता है। इस तरह का गाड़ी आपने कभी देखा था कि नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब इसका टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ए रामू, रेडी रहना, पहले देखना गिरेंगे तो बचाना जरूर, नहीं तो चोट। रेडी रहना। ओए ओए ओ ओ, तरीके यहाँ पर देख सकते हैं, ओ देख सकते हैं कितना मस्त तरीके से सीधा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं रामू को ही पकड़ा हूँ और ये आसानी से चल रहा है। ये देखिए, ओ क्या बात है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मेरे एक पैर में लगा हुआ है चार चक्का, दूसरे पैर में लगा हुआ है चार चक्का और एक चक्का लगा हुआ है आगे, यानी कि 9 चक्का वाला ये गाड़ी बना हुआ है। अब इसके लिए क्या लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ओए ओए ओए, और ये देखिए, ओए क्या बात है, ओ ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है। मैंने इतना बड़ा चीज़ बना दिया है लेकिन एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, ब्रेक लगाना, कि इसे ब्रेक कैसे लगेगा। और इसको मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ क्योंकि इसका अगर फुल एक्सीलरेटर मैं ले लूँ ना तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा। अभी मैं इसको बहुत ही स्लो स्लो चला रहा हूँ, बहुत ही स्लो। ए रामू, अब तुमको चलाना है। काहे रो रहे हो? पहली बार देख रहे हैं गाड़ी चलाएंगे कि केस दाना मुंह फूटेगा कि दांत टूटेगा, मना क्या करेंगे। अच्छी बात है। चलो दोस्तों, एक तो बात है कि रामू अपना हिम्मत जरूर दिखाया है, देखते हैं ये चला लेता है या क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर रामू के लिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ, अगर तुम यहाँ से 100 मीटर चला दोगे तो इस चैलेंज को जीत जाओगे। रेडियो कर सकते हो? चलिए देखते हैं क्या होता है। चलो, ओ इसका पैर देख सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर रामू जो है ना एक भी बार स्केट छू नहीं
चलाया है, ना पहना हुआ है, ना ही इसको कोई अभ्यास है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं इस गाड़ी की मदद से ये चला पा रहा है, देख सकते हैं। यानी कि ये जो हमारा स्कूटर है या गाड़ी है या साइकिल है जो भी है, ये बहुत ही काम का चीज़ है। इस चीज़ के लिए आप कितना रुपये देंगे, आप हमें कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना मस्त तरीके से ये चला रहा है। अब लगता है कि ये सीख गया, इसका पैर कंपन नहीं कर रहा है। शुरू में आपने देखा कि पैर इसका हिल रहा था। ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, नहीं तो पता चलेगा ना कि नहर में जाएगा तुम या फिर गिरेगा। दोस्तों इसके पैर के कंपन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा एक्सपर्ट है इसे चलाने के लिए। हालांकि आपने इस चीज को देखा कि ये कितना स्मूथली इतना लंबा दूर लेकर के आ गया है। यानी कि कोई भी आदमी जो सीखा नहीं हुआ है स्केटिंग, वो इस गाड़ी का उपयोग करके स्केटिंग कर सकता है। अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन ऐसा चीज है जो कमी छूट गया है, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही स्केट शू में एक बार और चलाने का प्रयास कर रहा था तो मुझसे नहीं चल रहा था, तो मैंने क्या किया था, उस शू को ही मैंने इलेक्ट्रिक बना दिया था, बटन दबाने से शू ही चलता था। तो वो भी बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो है, आप यहाँ पर क्लिक करके अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।